हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरी तरफ से सबको। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों पे। तो आज एक छोटी सी शायरी लेके आया हूँ, आपके सामने पेश करूँगा। एक सच्चे आशिक को मोहब्बत आशिकी कैसे करनी चाहिए, उस पर चंद अल्फाज लिखे। तो छोटा सा शायर हूँ, छोटा सा राइटर हूँ, खुद लिखता हूँ, खुद जुबानी बोलता हूँ। बस अल्लाह की दुआ से, आप लोगों की दुआ से थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, तो पेश करता हूँ कुछ इस तरह से है। और एक दरखास्त और है आप लोगों से, प्लीज़ हर एक 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 शब्द पे गौर फरमाना, नज़रअंदाज मत करना, लुफ्त उठाइए शायरी का, सीरियस मत होना, दिल पे मत लेके जाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं कुछ इस तरह से। कब्रों से आवाजें आती हैं उन आशिकों की जो दफन होके भी ना मर पाए। कब्रों से आवाजें आती हैं उन आशिकों की जो दफन होके भी ना मर पाए। ऐसा इश्क किया उन्होंने कि जीते जी जी ना सके और मर के भी मर ना पाए, मर ना पाए। मोहब्बत करो तो कुछ इस तरह करो साहेब, मोहब्बत करो तो कुछ इस तरह करो साहेब, कि इश्क के दिग्गजों में तुम्हारा नाम आए। रांझा मजनू की तुम्हें जन्नत से सलाम आए, कि वो दौर इश्क का इस जमाने में तुम्हारी वजह से फिर लौट आए। लोग तो सिर्फ कहते हैं मर के भी मोहब्बत करेंगे, सबूत ऐसा छोड़ जाओ आशिकी का, इस जहान में रोज तुम्हारी कब्र पे लोग इश्क का पढ़ने पाठ आए, पाठ आए। जिंदा रहो तुम मोहब्बत की बेबाक सी किताब बनके, जिंदा रहो तुम मोहब्बत की बेबाक सी किताब बनके, इश्क करो तो करो पूरी कायनात के सामने खुद को बेनकाब करके, खुद को बेनकाब करके, कि जब आखिरी सांस लो, गौर फरमाना मेरे भाई मेरे बहनों यहाँ पे, कि जब आखिरी सांस लो तो जाते जाते अपनी महबूबा से तुम एक फरियाद कर जाना, कहना उसे कि जीते जी हम एक ना हो सके, कि जीते जी हम एक ना हो सके। गर कभी मरने की इच्छा हो तो अपने आप को मेरी कब्र के साथ वाली जमीन में ही दफनाना, जमीन में ही दफनाना। फिर पता चल जाएगा तुझे, फिर पता चल जाएगा तुझे, मर के भी इश्क निभाना किसे कहते हैं। सच्चे आशिक तो मर के भी कब्रों में ही जिंदा ही रहते हैं, सच्चे आशिक तो मर के भी कब्रों में जिंदा ही रहते हैं, जिंदा ही रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की शायरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं फिर आऊँगा लेके कुछ और वीडियो, यहाँ शायरी, अभी लॉकडाउन है घर पे है, तो शायरी लेके आऊँगा आपके लिए, और खुद की लिखी हुई प्यारी सी चंद अल्फाज पेश करूँगा, खुद से लिखी, खुद की जुबानी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।